अबे यार रो मत यार तू भाई, बहुत याद आ रही यार उसकी, नहीं जी पाऊंगा भाई उसकी भी ना। मैं तो पहले ही बोला था सिंगर रॉ बेस्ट है। इधर साले तेरी वजह से हो रहा है ये सब, भाई देख रही है, तेरे को ही देख रही है, तुझे ही देख रही है, अब देखो मुझे सब। अब यार पहले ये तो पूछ ले कि ब्रेकअप क्यों किया है, रीजन तो जान ले, उसके बाद फैसला होगा। ये सही है। यार तू अभी भी वहीं अटका हुआ है, मैंने मोमोज के लिए ब्रेकअप नहीं किया तुझसे। यार तो किया क्यों, एटलीस्ट रीजन तो बता दे। वे दूर हट उससे, आज तक मैंने टच नहीं किया, तू होता कौन है टच करने वाला? बॉयफ्रेंड है मेरा। हाँ तो बॉयफ्रेंड है तो तू रीजन पूछ रहा था ना यार। विकी तू बहुत चेप है यार, दिन में 10 बार कॉल, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वैसे भी तेरे पास तो पैसे भी नहीं होते विकी, तुझे पहले जॉब की जरूरत है देन गर्लफ्रेंड। आई थिंक तुझे तेरा रीजन मिल गया। गुड बाय विकी। यार सोनू देखो क्या लगता है क्या होगा? क्या क्या होगा, धक्का मार आगे पेट्रोल पंप मिल ही जाएगा। अबे चूतिए, विक्की की बात कर रहा हूँ मैं। वो तो विक्की के वजह से चुप, वरना उस लौंडे को ना बीच चौराहे में नंगा करके मारता। भाई मेरे भी हाथ ना विक्की की वजह से बंधे हुए हैं, वरना पूरी दुनिया जानती कितना बड़ा गुंडा हूँ मैं। चल चल गुंडागिरी बाद में दिखाना, धक्का मार मार। चल चल जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करूं, अब कुछ नहीं बचा है ज़िंदगी में। एक काम कर लेता हूं, व्हाट्सएप पे सैड स्टेटस डाल के अपना दर्द शेयर कर लेता हूं। अरे यार ये फिर से दर्द फैला रहा है यार, ये मर क्यों नहीं जाता यार? नहीं 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 नहीं, मेरा मर जाना ही ठीक रहेगा, लेकिन मरूं कैसे? एक काम करता हूँ, छत से कूद जाता हूँ। नहीं यार, अगर किसी ने कैच करके बचा लिया तो हाथ काट लेता हूँ। तो यार फिर फर्श पे पूरा खून खून हो जाएगा, और मेरे मरने के बाद साफ कौन करेगा? सबसे अच्छा रहेगा फांसी लगा लेता हूँ, हाँ ये सही रहेगा।
अगर मेरे मरने के बाद मेरे दोस्तों और घर वालों के बीच वसीयत को लेके झगड़ा हुआ तो? अच्छा ठीक है अंकल जी, तो ऐसा करते हैं कि उसकी बुक्स कॉपीज वगैरह आप रख लीजिए, गाड़ी लैपटॉप और मोबाइल दिल पे पत्थर रख के हम लोग रख लेते हैं। ये भी सही है। बेटा बेटा तो हमारा था ना, हम दिल पे पत्थर रख के उसको मोबाइल लैपटॉप और गाड़ी रख लेते हैं, कॉपी और पुस्तक तुम लोग रखो। वाह अंकल जी, बेटा आपका था लेकिन पाल पोस तो हम दोनों ने बड़ा किया था, तो मोबाइल और लैपटॉप हमारा और गाड़ी भी ऐसा कैसे हो सकता है? हिम्मत है तो छू के दिखाओ गाड़ी और लैपटॉप को। आप नहीं मतलब छू के दिखाओ, गाड़ी और लैपटॉप। आप हाथ तो लगा के दिखाइए, छू के दिखाओ, हिम्मत है तो हम लोग रखेंगे। नहीं छू सकते तुम लोग। नहीं नहीं, वसीयत लिखना जरूरी है। अरे यार मेरी तो हैंडराइटिंग ही इतनी ख़राब है कि वसीयत किसी को समझ में ही नहीं आएगा, और अगर किसी को समझ में नहीं आया तो? हाँ तो देखो भाई, बात पानी की तरह साफ, मेरे बेटे ने साफ साफ लिखा है कि उसके मरने के बाद उसकी सारी चीजें चट्टी से लेकर गड्डी तक चमन कुमार यानी उसके बाप की होगी। बात खत्म। अंकल जी शायद आपको चश्मा लगने वाला है, इसमें साफ साफ लिखा है कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी चीजें सोनू और रवि यानी ये लौंडा और मेरे नाम कर दी जाएगी। ओ बेटे बेवकूफ, किसको बना रहे हो? उसकी हैंडराइटिंग इतनी खराब थी कि उसमें क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और तुम अपना नाम कहां से उसमें देख लिए? वाह अंकल जी, जब हैंडिंग इतनी खराब है तो आपको अपना नाम कहां से दिख गया? तोड़ा कुत्ता टॉमी और सादा कुत्ता कुत्ता, क्या कह रहे हैं, मर जाए? बेटा दिमाग मत खराब करो, उसकी सारी चीजें मैं रखूंगा। ओ अंकल जी आप हाथ तो लगा के दिखाओ, आप छुपे तो दिखाओ। अरे किसी अच्छे हैंडराइटिंग वाले से लिखवाना पड़ेगा। डोरा को फोन करता हूँ, उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। ये तो कट्टी है। बता क्या लिखना है? निक, मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दुनिया अब मेरे किसी काम की नहीं है। एक मिनट, ये दुनिया में छोटी की मात्रा आती है कि बड़ी की मात्रा आती है? एक मिनट, हाँ हेलो विनय भाई, ये दुनिया में छोटी की मात्रा आएगी कि बड़ी की मात्रा? अच्छा छोटी की मात्रा आएगी, अच्छा ठीक है भाई, थैंक यू। छोटी की मात्रा ना? नहीं नहीं, तू दुनिया इंग्लिश में लिख। लेकिन विनय ने तो छोटी की मात्रा बोला ना। अरे वो डफर है हिंदी में, 10वीं में वो हिंदी में ही तो फेल हुआ था, तू इंग्लिश में लिख। अच्छा सुन, वैसे तू ये वसीयत लिखवा क्यों रहा है? यार वो मैं सुसाइड कर रहा हूँ यार। क्या तू सुसाइड कर रहा है?
आ रही हूँ ना मैं, अब खाना बना के रखना ठीक है। अच्छा सुन, मैं निकलती हूँ, तू कंटिन्यू कर। कोई है? कोई है? छोड़ो मुझे, छोड़ो, कोई है? सब मोह माया है, माटी की काया है, तू चार दिन के लिए आया है, जरा सोच क्या खोया और क्या पाया।